बुंदेलखंड का पाठा क्षेत्र कभी डकैतों के आतंक के लिए शुमार रहा है। यहाँ बुंदेलखंड के सबसे बड़े डकैत प्रभावित इलाके चित्रकूट में कभी डकैत ददुआ, कभी ठोकिया, बलखड़िया और बबली कोल जैसे बड़े डकैतों का आतंक हुआ करता था, जहाँ रात तो क्या दिन में भी आम और खास लोग गुजरने में सिहर उठते थे। डकैतों के आतंक और भय से युवा भटक कर बेहड़ों में कूद पड़ते, लेकिन आज उसी जंगलों में देश सेवा की तैयारियाँ हो रही हैं। गरीबी और बेरोजगारी का आलम ऐसा था कि यहाँ के युवा रहा भटक जाते थे और गैंग में भर्ती हो जाते थे, लेकिन आज डकैतों के खात्मे के बाद खौफ खत्म हुआ और माहौल बदला। लोग जागरूक हुए और धीरे धीरे देश सेवा की तरफ युवाओं के दिल में जज्बा पैदा होने लगा। चित्रकूट का पाटा क्षेत्र हो या फिर देवांगना घाटी, इन सभी जगहों पर कभी डकैतों की गोलियां तड़तड़ाने से दहशत रहती थी। अब वहां पर युवा अग्निवीर बनने का सपना लेकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन युवाओं को सेवानिवृत्त फौजी एसएन मिश्रा और संतोष कुमार 200 से ज्यादा लड़के लड़कियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें तकरीबन एक दर्जन युवती हैं। डकैतों की शरण स्थली मानिकपुर व मुख्यालय से सटे करवी की देवांगना घाटी के जंगलों में अब गोलियों की आवाज़ नहीं, भारत माता की जय व वंदे मातरम की गूंज सुनाई देती है। युवाओं को देश की सेवा के गुण मारकुंडी के रहने वाले ट्रेनर व पूर्व फौजी प्रदीप शुक्ला तो वहीं देवांगना में एसएन मिश्रा और संतोष कुमार क्षेत्र में यूथ आइकॉन बने हैं। सेवानिवृत्त फौजियों द्वारा दौड़ से लेकर आर्मी में होने वाली सभी ट्रेनिंग दी जा रही हैं। फौजी संतोष कुमार बताते हैं कि युवाओं में अग्निवीर बनने की ललक बड़ी है। मैं आपका और किस तरीके की यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है? हाँ, मैं रिटायर्ड कैप्टन संतोष कुमार और हम लोग इस समय अग्निवीर जवानों की और पुरुषों की, महिलाओं की, दोनों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हमारा ट्रेनिंग एरिया है अग्नि, ये आपका देवांगना घाटी कलेक्ट्रेट रोड से लेकर के देवांगना घाटी स्टेडियम में समय पानी गीला होता, बारिश की वजह से तो हम वहाँ नहीं रह पाते हैं, तो हम इस समय देवांगना घाटी में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। ये देवांगना घाटी कभी दस्यु प्रभावित हुआ करती थी और उसमें किस तरीके से अब आप यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि यहाँ कभी डकैतों की गोलियाँ गूंजा करती थी? हाँ, किसी दशक में ये प्रभाव था और पूरे चित्रकूट जिला में ये दहशत थी, लेकिन समय का परिवर्तन होते होते काफ़ी बदलाव आ चुका है और जिस समय पहले ये दहशत हुई थी, आज के माहौल में वो दहशत नहीं। आज यहाँ के लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी कोई प्रकार किसी भी डकैत का कोई प्रभाव नहीं है। हमारे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, बच्चियाँ ट्रेनिंग करती हैं, आराम से 4 बजे सुबह निकलती हैं, कोई ऐसा डकैतों का कोई प्रभाव नहीं। कितने बच्चे हैं अभी आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कब से ट्रेनिंग चल रही है? कम से कम जो है हमारे पास 150 बच्चे बच्चियां हैं जो अभी भी इनकी ट्रेनिंग ले रहे हैं और हम दो साहब हैं यहाँ पे निस्वार्थ फ्री निःशुल्क उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आर्मी की जितनी भी टिप्स हैं, ट्रेनिंग होती है, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, डे बाय डे जो ट्रेनिंग हमको देना होता है उसको हम इनको ऊपर दे रहे हैं और इनको काफ़ी बच्चों को लाभ हो रहा है, काफ़ी लड़कों में जोश है, बच्चियों में जोश है और निश्चित रूप से ये यहाँ से नहीं, उनका सिलेक्शन होकर के देश सेवा में। उनकी अकादमी में पाठा क्षेत्र मारकुंडी, बरहा, गोपीपुर, डोडा, माफी, टिकारिया, वभिया, सरया, रानीपुर व सकरोहा आदि बीहड़ के गांव समेत बांदा जनपद के युवा भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। फौजी एसएन मिश्रा ने बताया कि उन्होंने सेवानिवृत्त से सेवानिवृत्त होने के बाद से ही संकल्प लिया था कि बीहड़ के युवाओं को देश की सेवा के लिए तैयार करेंगे। सेवानिवृत्त होने के बाद कोरोना महामारी आई, फिर भी उनके यहाँ युवाओं में प्रशिक्षण का जोश कम नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि इन दिनों 200 युवक और युवती ट्रेनिंग ले रहे हैं। सेवानिवृत्त फौजी एसएन मिश्रा ने कहा कि एक वक्त में चित्रकूट में डकैतों का आतंक हुआ करता था और बेरोजगारी का फायदा उठाकर युवाओं को गैंग की तरफ ले जाया जाता था। अब हम इनमें ट्रेनिंग देकर देश सेवा का जज्बा पैदा कर रहे हैं। इन बच्चों की शक्तियों का उपयोग हम भारत माता की सेवा में करें। अब हम ये दावा करते हैं कि अब कोई युवा गैंग में भर्ती नहीं होगा, सारे बच्चे सेना में भर्ती होंगे। देश सेवा का जज्बा लिए छात्रा ममता त्रिपाठी का कहना है कि हम सुबह 4 बजे इन जंगलों में आते हैं और अपने दोनों फौजी ट्रेनर से अग्निवीर के गुर सीखते हैं। आपको और किस चीज की ट्रेनिंग कर रही हैं? कैसा लग रहा है आपको और आगे चल के क्या तैयारी है आपकी? हम लोग यहाँ पे 4 बजे आते हैं और हमारे साथ हमारे कैप्टन सर, हमारे और हमारे ये दूसरे कैप्टन सर, दोनों हमारे साथ आते हैं और हम लोग बहुत ही मेहनत से और जोश के साथ अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं।
क्या नाम है आपका, किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं? सर मेरा नाम आनंद मिश्रा है, मैं अग्निवीर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर, कैप्टन सर के द्वारा निर्धारण। तो कब से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और आगे क्या आपकी जो है इच्छा है देश सेवा को लेकर के? सर हम 3 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं सर के साथ, और देश सेवा करने की दिल से इच्छा है सर, चाहे 4 साल की हो या 40 साल की। सर हम 4 साल के लिए, हम पूरी ड्यूटी के लिए सर तैयारी कर रहे हैं चैप्टर से। तो तमाम देखा जा रहा था अग्निवीर को लेकर विरोध था, और आप के अंदर एक जिज्ञासा दिख रही है, एक जागरूकता दिख रही है अग्निवीर को लेके, क्या कहेंगे? सर हमें देश की सेवा करनी है सर, चाहे वो 4 साल की हो या 40 साल की, वो मैटर नहीं करता सर। और किस चीज़ की ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे? सर मेरा नाम ललित कुमार है, मैं बांदा जिले से हूँ, और यहाँ चितपुर करबी में जो है ये ट्रेनिंग चल रही है, जो हमारे कैप्टन साहब हैं ये ट्रेनिंग करा रहे हैं। और हमने देखा कि जो बच्चों को इन्होंने अच्छी सीख देते हैं, टिप्स बताते हैं, और बच्चों को दौड़ने की टिप्स बताते हैं, तो ये सब हमने देखा तो हमें अच्छा लगा। तो हम वहाँ 70 किलोमीटर दूर से यहाँ सीखने आए हैं, और जो भी बच्चा एक एकेडमी में और या ग्रुप में सीखना चाहेगा उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और जो ये कैप्टन साहब हमारे बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, और हम चाहते हैं जो 75% छूटे उनमें जो 25% होंगे उनमें हमारा नाम आएगा। बोलो भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। आपको क्या कोई फीस लग रही है इसमें? नहीं सर, कोई फीस नहीं लग रही है, और कैप्टन साहब हमारे बहुत अच्छे हैं और अच्छी सीख देते हैं। जैसे कोई गुरु होता है बच्चे को कैसे सीख देनी चाहिए, उसी तरह बच्चे को डील भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो बच्चे मेहनत करेगा सक्सेस होगा। मैं आपका किस चीज़ की ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है? सर मैं ब्रिगेडियर मेजर कैसन मिश्रा, रिटायर्ड आर्मी में फर्स्ट अप्रैल को रिटायर हुए, और यहाँ चित्रकूट में आकर के बस गया। मैं देखा हमारे कैप्टन संतोष सर वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे, मैं इनसे इंस्पायर होकर के मुझे भी लगा कि जो मेरे पास बचा हुआ है मैं भी बच्चों को दे सकता हूँ। मैंने भी ज्वाइन कर लिया इनको, और बहुत इंजॉय कर रहा हूँ बच्चों को ट्रेनिंग दे करके। और ये हमारा समाज जो हमारा ज़िला बहुत पिछड़ा हुआ था, बैकवर्ड था, तो हमें लगा कि आपने अभी पूछा कैप्टन साहब से कि यहाँ पे डाकुओं का प्रभाव होता था, तो डाकुओं का प्रभाव अब दोबारा ना हो, हम इनको सेना में भर्ती करें, इनकी शक्तियों का हम प्रयोग जो है अपने भारत देश में करें, तो ज़्यादा प्रभाव होगा डाकुओं को। डाकुओं से हमारा ज़िला बदनाम था, हम इस जिले को ऊपर उठाना चाहते हैं। पहले कभी डकैत भी भर्ती किया करते थे अपने गैंग में, और आज आप सेना में भर्ती कर रहे हैं? सेना से आए हैं इसलिए हम सेना में भर्ती कर रहे हैं। अब आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कोई डकैत हो गैंग में भर्ती नहीं होगा, सारे बच्चे सेना में भर्ती होंगे। और मैं आपके माध्यम से ये भी आह्वान करता हूँ कि मेरे जितने जिला के और आउटसाइड जिला जितने भी लोग हैं, सारे बच्चों को मैं चाहता हूँ कि आ करके हमको ज्वाइन करें और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। धन्यवाद। कितने बच्चे भी ट्रेनिंग कर रहे हैं आपके अंडर में? हमारे अंडर में लगभग 150 बच्चे हैं चित्रकूट के सारे जिला में, प्लस बांदा से अतर्रा से लड़के आते हैं और पढ़ने आते हैं, और बड़ी तपस्या कर रहे हैं बच्चे, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं। बड़े डिसिप्लिन अनुशासित ढंग से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चे भी अनुशासित हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है इन बच्चों को देख करके। अगर आप हमको ज्वाइन करेंगे आपको भी बड़ा आनंद आएगा, आप आइए। आज हमारी बाइट ले रहे हैं, कल आप देखने आइए। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।